आपका हाथ में कमजोर होता है ना, ये हाथ कमजोरों को दूर करके मजबूत कराता है, शरीर को हल्का करता है। एक पवन मुक्तासन भाग एक कहते हैं, इसको कोई भी कर सकता है और आप आपके लिए बहुत अवश्य है। रिलैक्स, वन इनहेल, श्वास लेते लेते हाथ पीछे बनना, एक्सहेल, थ्री इनहेल, बहुत उत्तम कर रहे हैं सब लोग, फोर एक्सहेल, फाइव इनहेल, इससे फेफड़ों को मजबूत करता है, कंधे को मजबूत करता है, कंधे का दर्द दूर करता है, झुका हुआ शरीर, इन, थ्री इनहेल, थोड़ा हाथ ऐसा करके देखिए, ऐसा झमरों को बजाता है ना भगवान, ऐसा करने से हाथ का पूरा नसम के और खिंचाव होकर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होकर आपको हाथ कम ऐसा श्वास लेते लेते पीछे झुक कर थोड़ा समय रुकना, टू एक्सहेल, थ्री इनहेल, फोर एक्सहेल, इस प्रकार आप करने से आपका शरीर का भी अच्छा है, कमर के लिए भी अच्छा है, आपका मन में दुख का शोक का और नकारात्मक विचार दूर होता है। इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स, हाथ ऐसे स्लो कितना गोल घूमता है ना ऐसा रोज, आपका पेट का मोटापे कम करके आपको उत्तम हो जाता है। फाइव फाइव टाइम करना पड़ेगा, फाइव टाइम दाएं से, फाइव टाइम बाएं से, आराम से अपोजिट कितना साथ है उतना इसको घुमाना पड़ेगा। इसे देखिए, रिलैक्स, हाथ पीछे रख, चिन छाती का टच कर लो, थ्री इनहेल, फोर एक्सहेल, सिक्स रिलैक्स, डन, टू, थ्री, फोर, टू, थ्री, चिन कंधे पर रख सकते हैं, फोर, फाइव, रिलैक्स, कितना साथ है उतना घुमाना है, टू, स्लो घूमना पड़ेगा, थ्री, विश्रांति, इसका कहते हैं वस्त्रिका के आप वो अनेक प्रकार के समस्या खत्म कर रहे हैं। श्वास बाहर, पेट अंदर, एक बार श्वास लेने के बाद 10 बार श्वास लगातार छोड़ते जाना पड़ेगा। हाँ, एक बार श्वास लेकर गहराई से लेना, स्टार्ट, पेट का मोटापा कम करता है और फेफड़ों को मजबूत करता है, रक्त शुद्ध करता है, मस्तिष्क में रक्त संचार होकर थोड़े याद रहते हैं अच्छा तर, आय से श्वास लेना, सिर बैठकर बंद करके रुकना, दाय से छोड़ना, दाय से लेना, रुकना, दाय से छोड़ना, दाय से लेना, रुकना, दाय से छोड़ना, दाय से लेना, रुकना, दाय से छोड़ना, इसका कहते अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्ध प्राणायाम कहते। इससे